अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। इस वक्त हम नारान के काफ़ी करीब है और चाय पीते वक्त दरिया कुनर का एक खूबसूरत ड्रोन शॉट लिया, जो कि नारान वादी का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और आगे जाके पाकपतन में ये दरियाए झेलम से मिलता है। गूगल मैप के मुताबिक केवाई से नारान का फासला तकरीबन 61 किलोमीटर का है और वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा 46 मिनट का वक्त लगता है। यह है नारान। यहाँ से अब जीप लेके हम आगे सैफुल मुल्क की तरफ जाएंगे। नारान से सैफुल मुल्क झील 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र है और इसको तय करने में हमें 40 से 45 मिनट लगेंगे। जीप में सवार होने से पहले ड्राइवर के साथ इस बात पर मुज़ाकरात कर ले कि झील पर जितनी देर भी आप रुकना चाहे, ड्राइवर तब तक आपका इंतज़ार करे और ये भी चेक करे कि गाड़ी अच्छी हालत में है। इस रोड के शुरुआत पे बहुत से खूबसूरत होटल्स बने हैं और यहाँ तक सड़क भी पक्की है, लेकिन यहाँ से 10 मिनट आगे और सफ़र करने के बाद कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही सड़क जो शोग्रान में देखने को मिला था। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग नारान का सफ़र करते हैं और सैफुल मुल्क झील वादी नारान की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। इस जीप की सवारी को पाकिस्तान की मशहूर सवारी मानी जाती है। पाकिस्तान के तमाम शमाली इलाका जात में अमूमन आपको ये जीप देखने को मिलेंगे। ये जीपें बहुत ही मज़बूत और ताकतवर मानी जाती है और इनको ख़ास तौर पर इन पहाड़ी इलाकों के सड़कों के लिए बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट अपनी 4x4 जीपों की बजाय इन जीपों में सफ़र करते हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचरस और नज़ारे दिखाने वाली राइड है। फाइनली हम पहुंच गए और ये है खूबसूरत सैफुल मुल्क झील।
झील देखने के बाद सुकून से बैठकर एक कप कॉफ़ी एंजॉय की। फिर अपने जीप में बैठकर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। हमने सैफल मलूक झील पर बहुत ही कम वक्त गुजारा ताकि हमारे पास वक्त की बचत हो और दिन के उजाले में आगे और भी स्पॉट्स कवर कर ले। सैफल मलूक झील जाते हुए सफ़र का जितना मज़ा आता है उससे कहीं ज़्यादा इसकी वापसी के सफ़र का मज़ा है, क्योंकि वापसी पे जीप का रुख नारान की तरफ होता है और आपको बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊपर से आपको नारान तक का रोड साफ नज़र आता है। मैंने कई बार सैफल मलूक का सफ़र किया है और हमेशा जल्दी में होता हूँ, इसलिए कभी आंसू झील देखने का मौका ही नहीं मिला। आंसू झील सैफल मलूक झील से तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता है और 6 घंटे लगते हैं। आंसू झील भी सैफल मलूक झील की कहानी का एक हिस्सा है। बहरहाल कहानी अपनी जगह, लेकिन आंसू झील भी बहुत खूबसूरत जगह है और सैफल मलूक झील से तकरीबन 3,500 फुट ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़िया है। थोड़ी ही देर में हम नारान पहुंच जाएंगे, जहां से हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानल्लाह।